हेलो दोस्तों, आपने अभी तक दो कैमरे तीन कैमरे देखे हैं, लेकिन यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं पांच पांच कैमरे वाला मोबाइल फोन। जी हाँ, पांच कैमरे वाले मोबाइल फोन के बारे में हम आज बात करेंगे, जो कि है सैमसंग का A9। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जानेंगे उसकी स्पेसिफिकेशन और कब लॉन्च होगा इंडिया में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा और नहीं भी पता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अब जी हाँ, पांच कैमरे वाला फोन आ चुका है मार्केट में। यानी कि अब दो कैमरे तीन कैमरे का जमाना चला गया है, अब है पांच कैमरे का जमाना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सैमसंग के A9 मोबाइल की, जिसके अंतर्गत आपको मिलेंगे पांच कैमरे। फोर आपको मिलेंगे बैक साइड यानी कि रियर कैमरा, और एक मिलेगा आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा। और यहाँ पर पांच कैमरे हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले कैमरे की बात करें तो पीछे चार कैमरे जो मिलने वाले हैं, उसमें आपको मिलने वाला है एक आपको जो मेन कैमरा है वो 24 मेगापिक्सल का आपको मिलने वाला है। फिर आपको मिलेगा 10 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलेगा, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलेगा और एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। हर कैमरे के अलग अलग रोल है। मेन कैमरा हो गया, उसके बाद आपका पांच वाला जो है 5 मेगापिक्सल वाला कैमरा वो डेप्थ कैमरा है, जो आपका यहाँ पर काम करेगा पीछे आपके बैकग्राउंड को ब्लर करने में, इन सब चीजों में पोर्ट्रेट मोड में हेल्प करेगा। एक वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, यानी कि आप जैसे ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो वाइड एंगल ज्यादा 120 डिग्री पे वाइड एंगल आपका यहाँ पर होगा। उसके बाद 8 मेगापिक्सल का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। तो चार कैमरे पीछे दिए गए हैं विद LED फ्लैश। और अगर हम बात करें इसके फ्रंट फेसिंग में, यानी कि फ्रंट कैमरे की बात करें, तो फ्रंट कैमरा आपको मिलने वाला है 24 मेगापिक्सल का, जिसके साथ आप जो है बहुत अच्छी सेल्फी ले सकते हो और फुल HD में यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो वीडियो में। और इसके बैक कैमरे से आप 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन 30 फ्रेम्स पर सेकेंड की स्पीड से आप कर सकते हो, 60 फ्रेम रिकॉर्डिंग नहीं यहाँ पर, यानी कि स्लो मोशन वगैरह में आप जो है शॉट्स नहीं ले पाओगे। ठीक, तो इन्होंने कैमरे की बात करी। फोन बहुत ही अच्छा है बनाया गया है, बड़ी स्क्रीन है। तो स्क्रीन की बात करते हैं तो स्क्रीन आपको मिलने वाली है फुल HD सुपर एमोलेड आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, जो की है 6.3 इंच का। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर डिस्प्ले है, बहुत ही बड़ा डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा दिखता है इसका डिस्प्ले। अब अगर हम बात करें इसके मेन कंटेंट यानी कि अंदर की चीजों की, यानी कि प्रोसेसर की, रैम की, तो इसमें जो प्रोसेसर आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है Snapdragon का 660 प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। रैम की बात करें तो दो वेरिएंट में रैम मिल रहा है आपको, एक है 6GB और एक है 8GB। तो अभी जो है इंडिया में जो लॉन्च होने वाला है, नवंबर के आसपास ये मोबाइल इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो आई थिंक 6GB वेरियंट आए, 8GB वेरियंट अभी अदर कंट्रीज में अवेलेबल हो सकता है। तो 6 और 8GB में मिलेगा। और मेमोरी की बात करें तो 128GB आपको इंटरनल मेमोरी मिलेगी, जिसको आप SD कार्ड लगाकर बढ़ा सकते हैं, 512GB तक भी इसको कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें और क्या क्या चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं, तो और चीजों की अगर हम बात करें तो इसका डिजाइन यानी कि कलरफुल पिंक में मिलेगा, ब्लैक में मिलेगा, ग्रीन में मिलेगा। डिजाइन और इसका कलरफुल बहुत ही अच्छा यहाँ पर रखा गया है। बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट भी मिलने वाला है, यानी कि फिंगर सेंसर भी यहाँ पर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर हम मोबाइल की बात करें तो अच्छा है। सी पोर्ट यहाँ पे आ रहा है विद फास्ट चार्जिंग, यानी कि इसमें सी पोर्ट है टाइप सी और फास्ट चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है। बैटरी की बात करें तो बैटरी लगभग 3800 mAh की बैटरी आपको मिलने जाएगी, जो कि एक दिन के लिए सफिशियंट है और एक दिन आराम से आपका मोबाइल चल जाएगा। इसमें GPU की बात करें तो एंड्रॉइड 512 यानी कि 512 GPU दिया गया है, तो गेम वगैरह भी अच्छी तरीके से चल जाएंगे यहाँ पर। तो ओवरऑल मोबाइल की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, स्लीक डिजाइन है, बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर चार कैमरे बैक में है और एक फ्रंट में है, और पीछे आपको ग्लास भी देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रंट भी ग्लास और पीछे भी ग्लास यहाँ पर मिल जाएगा। तो ओवरऑल फोन अच्छा है यहाँ पर। अब देखिए इंडिया में नवंबर को लॉन्च होगा, तो इसकी प्राइसिंग क्या होगी उस समय यहाँ पर पता चलेगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।